सब उनके साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश भर में पत्रकार साथी इकट्ठा हो रहे हैं और जैसे जब तक होगा तब तक लगातार प्रयास करते रहेंगे, वहाँ पर जाएंगे देंगे। टूटेंगे, छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, छूटेंगे। भारत माता की, भारत माता की, उद्धव सरकार, हाय हाय, उद्धव सरकार, हाय हाय, पत्रकार एकता जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल उद्धव सरकार ने जिस तरह मनमानी दिखाते हुए हमारे पत्रकार साथी रिपब्लिक भारत के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो लगातार देश की आवाज़ को, जनता की आवाज़ बुलंद करने का काम करते रहे हैं और द्वेषपूर्ण भावना से जो सरकार ने वहां ये कार्य किया है, उनको गिरफ्तारी किया, बर्बरतापूर्वक बताइए रिपब्लिक की माने तो उनके परिजनों के साथ में जिस तरह से मारपीट किया गया, बहुत ही ये निंदनीय है और शब्दों जितनी निंदा की जाए वो कम है जिसके विरोध में आज हम लोग पत्रकार साथी, तमाम हमारे सब पत्रकार साथी हैं, महामहिम राष्ट्रपति के नाम हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग गोस्वामी की रिहाई हो और तमाम इसमें क्या नाम है बातचीत को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश दुबे जी हैं, ये अपना वक्तव्य रखें, कैसे क्या रूपरेखा है, क्या आगे चलना चाहिए। आप सभी पत्रकार साथियों को, हमारे जितने इष्ट मित्र हैं सभी को मेरा सादर नमस्कार। बड़े दुख के समय आज कहना पड़ रहा है कि हम आज ऐसे मोड़ पर खड़ा हैं जो आज काला धंधा बनाने जा रहे हैं। आखिर हमारी मजबूरी क्या है, वो आप मजबूरी जानते हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने बर्बरतापूर्वक एक पत्रकार को खींचते हुए उसके घर में घुसकर अघोषित आपातकाल साबित करके जिस हिसाब से उसे गिरफ्तार किया गया, वो निश्चित रूप से अन्याय के खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज बड़े दर्द की बात है, तकलीफ की बात है कि अगर एक पत्रकार जो आवाज उठा रहा है उसका काम है सवाल पूछना। यदि हम पत्रकार हैं, अगर हमारा काम होता है सवाल पूछना, जवाब देना जनता का काम है, आगे हमारे साथ अन्याय क्यों, ये सोचने और समझने वाली बात है। ठीक है, कानून को हम हाथ में लेना बिल्कुल उचित नहीं समझते। यदि ने किसी तरह का कृत्य किया, किसी तरह का किसी को आत्महत्या करने पर उकसाया, ऐसा अगर सरकार मानती है, कानून मानती है, तो निश्चित रूप से उन्हें लिखित तौर पर समन जारी करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन उन्हें बगैर बताए, बगैर समन जारी किए घसीटते हुए, यहाँ तक कि उनको जूता तक पहनने नहीं दिया और उनके बच्चे को मारा गया, पीटा गया, उनके परिवार के साथ बर्बरतापूर्वक क्रिया किया गया, इस तरह का कार्य व्यवहार बिल्कुल हम सब पत्रकार साथी का विरोध करते हैं। और आज जिस हिसाब से हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, निश्चित रूप से आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका सहयोग हम सबको मिलता रहे और आज काला दिवस के रूप में हम हमारा जो प्रोग्राम है, जैसे हमारे छोटे भाई ने बताया कि हम महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। हमारी एक मांग है महामहिम राज्यपाल को, महामहिम राष्ट्रपति को माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे और हमारी एक आवाज़ है, एक आवाज़ रहेगी और जब तक अर्णव गोस्वामी रिहा नहीं होंगे तब तक हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। महाराष्ट्र सरकार हाय हो, सरकार हाय हाय, पांडे जी हैं जो ये पूरा विषय को आप समझी रहे हैं, इस पे आपकी अपनी राय रखें। और देखिए, जो रिपब्लिक भारत के को इस प्रकार से बिना बताए, बिना कहे जबरदस्ती पुलिस उठा लेती है, यह एक
आपातकालीन ही जैसे है। भले ही हमारे जमाने में आपातकालीन नहीं लगा हो, लेकिन उसकी मानसिकता अभी भी लोगों के मन में है। एक उद्धव सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामी है और हम सभी पत्रकार साथी मिलकर के इसको लड़ाई ले। पत्रकार को सवाल क्या पूछना, इस देश में आजादी नहीं है। क्या उद्धव सरकार कहना चाहते हैं, इसको हम लोग पूरी पत्रकार लोग मिलकर के इसको हम लोग आवाज को बुलंद करें। यदि इसी प्रकार से यदि होता रहेगा तो हम लोग अपने कलम को बंद करके और फिर उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साथियों को नमस्कार। अभी जो महाराष्ट्र में अरुण गोस्वामी के साथ जो हुआ है, उनके घर में 2018 की वारदात की जो फाइलें बंद हो गई थी, अभी जो तत्काल में खोली गई है, उनके साथ साजिश किया गया है। उनके घर में जाके उनके साथ जो जिस तरह से उनको घसीटते हुए जबरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया है, ये महाराष्ट्र सरकार बहुत ही निंदनीय कार्य किया है, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और उनके रिहाई के लिए हम लोग अभी जो है कि कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दे देंगे, और अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो फिर हम लोग अगले कड़ी में जो है कि उग्र आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। जब तक कि पत्रकार साथियों के साथ न्याय नहीं होता है, तब तक जो है कि हम लोग अपना इस तरह का रुझान बनाए रहेंगे और बंद नहीं करेंगे। और जैसा कि आपने पांडे जी ने बात रखा, और हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में संतोष शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी अपने वक्तव्य रखें। नमस्कार। और वही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अर्णव के साथ जो जिस तरह से बर्बरता किया गया, उनको घसीटते हुए ले आए गए महाराष्ट्र पुलिस ने, और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो नुमाइंदे उन्होंने अपने लगा के रखा है, इस इन्होंने हरकत से हम लोग बहुत दुखी हैं। और अर्णव गोस्वामी के साथ हैं, हम लोग खड़े हैं। महाराष्ट्र सरकार को अपने कर्मों को याद करते हुए वापस लेना चाहिए, और अपने पत्रकार के ऊपर जो हमले हुए हैं और उनको घसीटते हुए ले जाया गया है, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। धन्यवाद। और पत्रकार के पास पत्रकार जो लगातार खतरे हैं, सबको मेरा सादर नमस्कार। और जिस प्रकार से दबंग महाराष्ट्र सरकार दबंग राजनीति के चलते आज अपने रसूख के चलते वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी को बर्बरतापूर्वक जेल भिजवाने का काम की है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, और सारे समूचे पत्रकारों में इसकी निंदा की जा रही है। और बात सिंगरौली की नहीं, बात पूरे प्रदेश में, बात पूरे देश में इसकी निंदा की जा रही है। और इसी तारतम्य में आज हम पत्रकार साथी भी अर्णव गोस्वामी के समर्थन में उतरे हैं, और महामहिम राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन सौंप के जताएंगे कि कहीं ना कहीं एक पत्रकार को लिखने की आज़ादी होती है, चाहे आप उस पर दबाव बना लीजिए, चाहे आप उसे फांसी सुना दीजिए, या चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एक पत्रकार स्वतंत्र है, जनहित के मुद्दों को उठाता रहे और भविष्य में उठाता रहेगा। चाहे महाराष्ट्र सरकार, तमाम ऐसी सरकारें आती रहेंगी, जाते रहेंगी, लेकिन एक पत्रकार कल भी स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र है, और आगे भी स्वतंत्र रहेगा, और अपना लेखनी का कार्य करता रहेगा। ऐसी दबंग सरकार का हम लोग काली पट्टी बांध के तमाम हमारे पत्रकार साथी, भाजपा के हमारे साथी, तमाम समाज से भी आज विरोध कर रहे हैं, और आगे भी जब तक हमारे वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी रिहा नहीं हो जाते, आगे भी हम उग्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो समाज प्रशासन को होश में लाने के लिए हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। धन्यवाद। सरकार मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद। अर्णव गोस्वामी को रिहा करो। रिहा करो। रिहा करो। रिहा करो भाई। रिहा करो। रिहा करो। रिहा करो। महाराज सरकार मुर्दाबाद। 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 कार्यक्रम की अगली कड़ी में युवा पत्रकार अमनीश तिवारी हैं, ये भी अपना वक्तव्य रखें कि कैसे इस लड़ाई को आगे लड़ना है, कैसे जीतना है, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है। जिस तरह से एक पत्रकार वह अपने निजी समस्याओं को, निजी हित को, अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर वो जनता की आवाज उठाता है,
ताकि एक अच्छा स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, लेकिन वो सिस्टम उनकी अव्यवस्थाएं पोल खोलने में नाराज होकर वो द्वेषपूर्ण भाव स्तर कार्रवाई करते हैं, जेल भिजवाते हैं, उनके परिजनों को प्रताड़ित करते हैं। इसमें आगे वक्तव्य रखेंगे पत्रकार अवनीश तिवारी। देखिए आज वह दिन याद आता है, हम लोग पढ़े हैं कि 1980 में, 1962 में, 1953 में जब आपातकाल लगता है, आपातकाल तीन परिस्थितियों में लगाया जाता है, जब किसी सत्र का दुरुपयोग होता हो, जब अपना देश संकट वित्तीय स्थितियों से गुजरती हो, जब अपने देश में कोई बड़ा हलचल मचने वाला हो, तब आपातकाल की जब ऐसी स्थितियों में लगाया जाता है। लेकिन इस बार उद्धव सरकार ने जो एक पत्रकार जो राजघर के जब एक साधु की निर्गम हत्या कर दी जाती है उस पर सवाल उठाता है, उस पर सवाल पूछता है, जब पुलिस के सामने उस खाकी बर्दे के सामने एक पुलिस के सामने एक साधु की निर्गम हत्या कर दी जाती है, उस पर सवाल पूछा अर्णव गोस्वामी ने, इसलिए उसे जेल में डाला जा रहा है। या फिर सुशांत सिंह के मामले में, वो सुसाइड करने वाले मामले में जब सवाल पूछा जा रहा है, और महाराष्ट्र गैंग में, महाराष्ट्र सरकार में वहाँ जो ड्रग्स गैंग चल रहा है, ड्रग्स माफिया गैंग चल रहा है, उस पर सवाल पूछने की वजह से अर्णव गोस्वामी पर साजिशन, उसके साथ बर्बरता किया जा रहा है। उसके घर में पुलिस, 2 साल पुराना मामला था, जो दो साल पुराना मामला हुआ था, जो उसे बंद कर दिया गया था, और बिना किसी मजिस्ट्रेट से कोई जानकारी लिए, कोई साझा किए, बिना समन लागू किए, बिना कोई नोटिस जारी किए, और अर्णव गोस्वामी के घर में महाराष्ट्र सरकार की पुलिस जो गुंडा रूपी है वो घर में घुसी और अर्णव के साथ मारपीट की और उनके साथ अभद्रता किया, उनके माँ बाप के साथ मारपीट की, उनके बाल बच्चे परिवार के साथ मारपीट की। लेकिन यह नहीं समझ आता कि जो एक खाकी वर्दी पहनने वाली महाराष्ट्र सरकार की पुलिस है, कौन सी ज्ञान, कौन सी कानून पढ़कर आई है, कौन सी शपथ लेकर खाकी वर्दी पहनी थी, बिना सबन का, बिना नोटिस का, बिना कोई सूचना के किसी के घर में घुसो और मारपीट करो, गाली गलौज करो और उसे थाने ले जाओ। फिर भी न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलिस के कस्टडी में नहीं बल्कि न्यायालय के कस्टडी में दिया गया है। आपको बता दें कि अर्णव को रिहा करना पड़ेगा, और जिस तरह से अर्णव गोस्वामी ने महाराष्ट्र सरकार की पोल खोल रखी है, इसकी लापरवाहियों की, इसकी नाकामयाबियों की नाक में दम कर रखा है, इस वजह से यह खावड़ाई और यह कहे कि सोनिया सेना से जो बनी है यह उद्धव की सरकार, इसलिए यह अर्णव गोस्वामी पर जुर्म किया जा रहा है। लेकिन यह पत्रकार साथी बल्कि महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में, यह सिंगरौली एक छोटा सा जिला है जो ऊर्जा धानी के नाम से जाना जाता है, वहां तक के पत्रकारों में वह ऊर्जा आ चुकी है, वह आक्रोश आ चुका है कि अर्णव गोस्वामी को रिहा करना पड़ेगा। अगर अर्णव गोस्वामी को रिहा नहीं किया गया, हम सारे पत्रकार साथी अभी तो सिंगरौली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी पत्राचार कर रहे हैं, अभी ज्ञापन दे रहे हैं, आवश्यकता पड़े तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक घुस करेंगे, भोपाल तक घुस करेंगे, महाराष्ट्र सरकार के नाकों में दम कर रखेंगे, नहीं तो अर्णव गोस्वामी को रिहा करना पड़ेगा। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि अर्णव गोस्वामी ने जिस तरह से पूरे देश की जनता की, राष्ट्र की बात कर रखा है, जिस तरह से देशभक्ति का एक जुनून जगाया है, क्या अगर कोई राष्ट्र की बात करता है कोई पत्रकार, क्या पत्रकार होना कोई जुर्म है? हमारा तो अधिकार है पूछना, उद्धव सुनो तुम्हारी सरकार आएगी और जाएगी, नहीं पत्रकारों का अधिकार तुम नहीं छीन सकते। उद्धव आपको बता दें कि आपको तो अब आप कहने में मुझे शर्म आती है पत्रकार साथियों का, क्योंकि आपने वह कृत्य किया है जो पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी को आपने घर में घुसकर गुंडा रूपी पुलिस को भेजा और वहां से उसे मारपीट किया, उसके माँ बाप के परिवार के साथ व्यवस्था किया, उसके बाद थाने ले जाते हैं। 2 साल पुराने मामले में शर्म नहीं आती? 2 साल तक यह महाराष्ट्र पुलिस की गुंडा रूपी कहां थी? यह पुलिस कहां थी 2 साल तक? जो केस क्लोज हो चुका था, बंद हो चुका था, आज क्यों खोलने की जरूरत पड़ी? जब वह महाराष्ट्र सरकार के नाक में दम कर रखा, जब उसके नाकामयाबी को, उसके लापरवाही को, उसके जो वहां पर जिस तरह से गैंग चल रहा था, ड्रग्स गैंग, एक और साधु की निर्गम हत्या, एक और सुशांत का सुसाइड करना, कहीं जब इन चीजों पर सवाल पूछने लगा ना, जो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पित होकर अपने घर परिवार को बल्कि बहुत लगाव न रखे बल्कि देश के प्रति काम करने वाला पत्रकार को किस तरह से उसे ले जाया गया, कहीं ना कहीं पूरे देश को लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और हम लोग राष्ट्रपति को आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, अगर इस ज्ञापन पे और अर्णव गोस्वामी का रिहा नहीं किया गया, हम सारे पत्रकार साथी अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, आवश्यकता पड़े तो धरना बैठेंगे, आवश्यकता पड़े तो यहाँ से दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक के लिए कुछ करेंगे। सभी को नमस्कार, नीरज जी आगे अपने। महाराष्ट्र सरकार हाय हाय, महाराष्ट्र सरकार हाय हाय।
भी छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, अलगला भी छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, अलगला भी छूटेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, उद्धव सरकार हाय हाय, हाय हाय, उद्धव सरकार हाय हाय, पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 अरनव को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, अरनव को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जेल के ताले टूटेंगे, टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, टूटेंगे। क्या होती है पत्रकारिता, किस तरह से पत्रकारों का शोषण होता है, किस तरह से शासन प्रशासन लगकर पत्रकारों को तोड़ता है, ये लगातार देखते आए हैं, कई केस मुकदमाएं झेलते आए हैं। अपने विचार रखिए, किस तरह से उन्होंने जो अत्याचार किया गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम सब उनके साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे देश भर में पत्रकार साथी इकट्ठा हो रहे हैं और जैसे जब तक होगा तब तक लगातार प्रयास करते रहेंगे, अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, मांग भी करेंगे। क्या दिक्कत है? महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्लीज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महाराष्ट्र प्लीज गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, महाराष्ट्र प्लीज गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम लोग को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, हम लोग को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। हम लोग प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं और हम लोग अभी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने वाले हैं और उम्मीद है कि जिस तरह से बर्बरतापूर्वक वहां पर कार्रवाई की गई है अर्णव गोस्वामी जी पर, तो राष्ट्रपति जी से हम लोग की उम्मीदें हैं कि वो इसको पूरे निष्पक्ष इसकी जांच होगी और उनको पहले तो रिहा किया जाएगा। साथियों, एक चीज़ से और मैं आप लोगों को अवगत करवा देना चाहता हूँ, ये तो अभी अंगड़ाई है, जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि ये अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है, जरूरत पड़ी तो ये हमारे जो पत्रकार साथी खड़े हैं ना, दिल्ली जाने का भी काम करेंगे, दिल्ली नहीं मुंबई भी जाने का काम करेंगे जरूरत पड़ी तो, क्योंकि पत्रकारों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसका गला घोटा जा रहा है वो पत्रकार, मैं बार बार वे कहते आ रहा हूँ, वो पत्रकार जो अपने निजी स्वार्थ को पीछे छोड़कर जनता हित, जनता के हित के लिए अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाता है, उस पत्रकार के खिलाफ कितना इस तरह का कृत्य होता है, कितनी दुख की बात है। ये यही भर नहीं पूरे भारत में पत्रकारों में आक्रोश है और अभी एक बार चेता रहे हैं कि उद्धव सरकार ये मनमानी जो चल रही है ना, समय रहते इस पर नियंत्रण लगाओ, वरना ये जो पत्रकारों को इस तरह षड्यंत्र पूर्वक जो कार्रवाई हो रही, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, हम लोगों ने अब कमर कस ली है और जिस स्तर तक लड़ाई लड़नी पड़ी, भूख हड़ताल करना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, मुंबई जाना पड़े या फिर जो भी करना पड़े वो हम लोग करने के लिए तैयार है। जो हमारे पूरे पत्रकार साथी हैं सब कमर कस चुके हैं, हम लोग काली पट्टी बांध कर ये विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो ये काली पट्टी हाथों की जगह मुंह पे बंधेगी और मुंह बांध के हम लोग प्रशासन को भी दिखा देंगे कि पत्रकार अब जाग चुके हैं, उनका शोषण करना, षड्यंत्र करना, आक्रमण उन पे करवाना, ये सब बंद करें। बहुत बहुत